लेडीज एंड जेंटमेन वेलकम टू द फुट कॉलेज फिलॉसफी नाउ टुडे वी विल डिस्कस ऑन द पोस्ट ट्रांजेशन इन मॉड्यूल 63 क्रक्स को समझेंगे जी ये चाहते क्या पोस्ट इसका ट्रांजेशन और था प्री तो हमने देख लिया और उसके अंदर एग्जांपल भी हमने देखी और हमने बहुत सारी डायमेंशन के अंदर इसको समझने की कोशिश की इस ट्रांजेशन के अंदर एम्प्लॉयर लॉक्स टू इक्वायर स्किल वन एम्प्लॉयर को लोकल स्किल्स के साथ एक्वायरमेंट कैसे होगी स्किल्स कैसे सीखेंगी उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी अगर आपको मैं थोड़ा ग़ौर कराता रहूं आप थर के इलाके को जेन में लेकर कर आएँ बलोचिस्तान को लेकर आएँ इंटीरियर बलोचिस्तान को ले, ले आएँ खोजदार चले जाइए डेराबुकटी चले जाइए और मजीद आप चले जाएँ लोराल की तरफ चले जाइए फिर आप पेशावर चले जाइए पेशावर से इंटीरियर की तरफ चले जाइए वाना चले जाइए पंजाब और पंजाब के इंटीरियर की तरफ जाना शुरू कर दीजिए आप हर इलाके के अंदर देखेंगे तो सौगातें बनती एक एक चप्पल जो है जिसके अंदर तिले लगते हैं खुस्से बनते हैं फिर अगर आप चले जाएं इंटीरियर की तरफ से तो वहाँ पर आपने अजरक देखी होगी अजरक की टेक्निकलिटी ये है कि दोनों तरफ से प्रिंटेड होगा अगर वह दोनों तरफ से वैसा ही प्रिंटेड नहीं है तो असली नहीं है वो नकली है अच्छा इसी तरीके से उसकी उसकी शनाख्त है इसी तरह बलोच पगड़ी आप नहीं बना सकते बलोच खुस्सा आप नहीं बना सकते बलोच की शलवार जो है वो नॉर्मल अनस्किल्ड आदमी पंजाब का नहीं बना सकता पंजाब के अंदर आ जाए तो पंजाब का लाचा आप नहीं बना सकते उसको प्रिंट कैसे किया जाता है उसका कलर स्कीम क्या होता है इसके अलावा मुख्तलिफ़ धातें और मुख्तलि मामला होते हैं जो हमारे कल्चर से उभरती हैं मैंने बोला कि एम्प्लॉयर्स लोकल्स टू द एक्वायर स्किल मेन एम वोज टू एम्प्लॉय टू एक हमारे लोकल्स को स्किल्वायर कैसे करानी है मसलन अब मैं फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी जगह पे हूँ लगी हुई है टैनरी बिक रही है वही जो फॉर्मूला था जो मजदूर थे उनको जब हम स्किल दे, दे देंगे तो वो उसी स्किल की तरफ वापस आ जाएंगे फिर उनको बताया जाएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर चमड़ा कैसे बनता थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ थोड़ी सी ट्रेनिंग के साथ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के साथ वो चीज़ बना देंगे जो आपके पास नहीं थी याद रखिए टेसट और एक्सप्लेसिट के अंदर मामला यही है कि जो आपकी जद्दी पुशती आबाजात ने आपके डी के अंदर जो चीज़ों का फन रखा गया है वो तेज़ी से आप एक्वायर कर सकते हैं वरना ये काम मुझे आता ही नहीं है तो वो मैं सिरे से सीखता रहूँ मैं वो काम नहीं कर सकता यानी कि घोड़सवारी मेरी अगर घोड़सवारी मेरी नस्लों में किसी ने नहीं की और मैं सीख लूँ एक तो कर जाऊँगा लेकिन उसके लिए मुझे उतनी तेज़ी नहीं होगी मेरे यानी सब कॉन्शियस माइंड के अंदर नहीं होती चार लेवल पे समझिए कॉन्शियस सब कॉन्शियस मेटा कॉन्शियस कॉन्शियस ऑफ द कॉन्शियस ये चार दिमागी लेवल होते हैं जिनके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं इंसानी दिमाग को अब ये हमें स्किल रिक्वायरमेंट कैसे आती है विच विल हेल्प देम टू अर्न टू स्क्योर मील्स अ डे आफ्टर अंडर गोइंग द ट्रांजिशन द आइडियोलॉजी ऑफ द बेयरफुट कॉलेज एज मैंशन बाय द रॉय एंड हर्टिगन टू थाउजेंड एट फोकस ऑन फोर की कॉम्पोनेट विच इजटरनेटिव एजुकेशन वन सेकेंड वैल्यूंग द ट्रडिशनल नॉलेज एंड स्किल थर्ड लर्निंग फॉर द सेल्फ रिलायंस फोर्थ डिसमिनेशन डिसमिनेशन टू एक्सप्लोर और उसको डिसमिनेट करना आप देखिएनेट एजुकेशन जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी हनर कदा की आल्टरनेटिव एजुकेशन बिकन हाउस की डिग्री ले लेते हैं लोग लेकिन अल्टरनेट एजुकेशन कहाँ से सीख कर आते हैं वहाँ से ड्राफ्ट मैन जो सीख कर आते हैं जब आर्किटेक्ट बनते हैं तो बेहतर बनते हैं डिप्लोमा से जो एजुकेशन लेकर आते हैं होती तो अनस्किल्ड है स्किल्ड ले, uh, uh, है लेकिन प्रोफेशनल uh, नहीं मानी जाती डिग्री नहीं मिलती क्रेडिट आर नहीं मिलते एच ई सी अप्रूव नहीं करेगा बाकी दुनिया नहीं मानेगी लेकिन स्किल तो आपके पास है लेकिन वैल्यू एडिशन के लिए आपको चाहिए कि उस चीज़ को ऊपर लेकर आए सो तो उसे डिसमिनेट करें तो ये पोस्ट ट्रांजिशन ये कहता है कि जो चार लेवल पे अल्टरनेट एजुकेशन इज मस्ट लेकिन उसको फिर एजुकेशन फॉर्मल में ले आए फिर आप वैल्यू करें उसको उसकी स्किल को इसको एडवांस लेवल पे उसके ऊपर डिग्री एसोसिएशन सर्टिफिकेशन क्वालिटी एश्योरेंस ले लीजिए क्वालिटी सर्टिफाइड बन, बन, बन जाइए जब आप क्वालिटी सर्टिफाइड बन जाएंगे तो आपको वो लोग एक्सेप्टेंस दे, दे देंगे यानी वर्ड एक्सेप्टेंस आपके पास आ जाए द लर्न फॉर द सेल्फ रिलायंस मेन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द आंटरप्र्योर सेल्फ रिलायंस खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है और रजा ये है कि मेरे पास जो स्किल है वो मेरी सेल्फ रिलायंस है सईद तो अली करम अल्लाह करीम ने कहा कि जब तेरा पेट खाली है और तूने हाथ मांगने के लिए नहीं बढ़ाया तो याद रख तू तो दुनिया का रईस तरीन इंसान तो याद रखिए कि कौमें दुनिया और सारी की सारी शनशाहतें सारी की सारी जेर हो जाती हैं जिस वक्त आप हाथ आगे बढ़ा देते हैं नैलसन मंडेला ने कहा था कि कौमें खैरात से नहीं काम से बनती खैरात देना बंद कर दीजिए चैरिटी कीजिए लेकिन उसको स्किल के साथ कीजिए आपको उसको सोशल ऑर्डिनेंस लेकर आना पड़ेगा आपको लोगों को सोशली तौर पर उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा अखुवत मॉडल के ऊपर आना पड़ेगा लोगों को छोटे छोटे कर्जा जात देने पड़ेंगे स्किल एजुकेशन में लाना पड़ेगा फॉर्मल एजुकेशन इनफॉर्मल एजुकेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा बिजनेस में और फिर छोटे वेंचर्स बनाकर उनको बड़े बिजनेस में लाना पड़ेगा और तब आप एक क्रिमिनल आंटरप्रेनोरियल डेवलपमेंट लेकर आएंगे थैंक यू वेरी मच